तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड रेंज मार्केट के ऐसे टॉप 3 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में 20,000 रुपए से भी कम की कीमत में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये तीनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन है जिसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट की दोस्तों शुरुआत करें तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन आता है दोस्तों वन प्लस की ब्रांडिंग के साथ, जो कि दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आती है ब्रांडिंग, तो नंबर वन पे तो स्मार्टफोन आ रही था OnePlus Note CE 3 Lite। जी हां दोस्तों, ये एक लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन है जो कि इंडियन मार्केट में आपका 11 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ है और आउट ऑफ द बॉक्स से लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 के ऊपर रन करता है। जी हां दोस्तों, उसी के साथ इसमें दोस्तों Qualcomm Snapdragon का 695 आपको चिपसेट देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर 2.2 GHz की आपको क्लॉक स्पीड देता है, साथ ही इस प्रोसेसर अब 6 नैनोमीटर पर रन करता है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इसकी कमाल की है। उसी के साथ दोस्तों 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। दोस्तों ध्यान रहे, इसमें IPS LED डिस्प्ले देखने को मिलती है, AMOLED के चक्कर में आप स्मार्टफोन की तरफ नहीं आ सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों बैक में कैमरे के इसमें 3 सेंसर हैं जिसमें 108 यानी कि 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 का माइक्रो और 2 का डेप्थ सेंसर। फ्रंट में इसमें देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी और उसी के साथ 5000mAh की बैटरी है, 67 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में 1TB स्टोरेज एक्सपेंड भी करी जाती है SD कार्ड के जरिए, और उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। सो फीचर्स तो दोस्तों स्मार्टफोन के काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन लिस्ट में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ये नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले OnePlus Note CE 3 Lite की कीमत की अगर बात करें तो वो दोस्तों इसके बेस वेरियंट की यानी कि 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की आपको 19,999 रुपए देखने को मिलती है। तो कीमत के मुताबिक 20,000 की रेंज में एक परफेक्ट स्मार्टफोन है OnePlus Note CE 3 लाइट। अगर आप वन प्लस की फोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है ये स्मार्टफोन। ये दोस्तों हो गया लिस्ट का हमारा पहला स्मार्टफोन। अब दोस्तों बात करें लिस्ट के सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन की। लिस्ट का सेकंड बेस्ट दोस्तों स्मार्टफोन हमारा रियलमी की ब्रांडिंग के साथ आता है, रियलमी 10 प्रो। अब दोस्तों ये स्मार्टफोन लुकिंग वाइज सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है इस लिस्ट के अंदर यानी कि डिजाइन वाइज। लॉन्च दोस्तों इंडियन मार्केट में आपका हुआ था 8 दिसंबर 2022 को, लेकिन ये काम करता है एंड्रॉइड 13 के लेटेस्ट वर्जन पर आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसमें भी IPS LED डिस्प्ले ही देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और उसी के साथ दोस्तों इसमें Qualcomm Snapdragon का 695 चिपसेट ही देखने को मिलता है, 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड देता है और 6 नैनोमीटर पर रन करता है, यानी कि OnePlus वाला ही प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में अगर और फीचर्स की बात करें तो बैक में कैमरे के 2 सेंसर इसमें देखने को मिलते हैं, 108 यानी कि 108 का मेन है, 2 का डेप्थ सेंसर यानी कि 2 ही सेंसर बैक में देखने को मिलते हैं। फ्रंट की बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की पंच होल डिजाइन सेल्फी, और उसी के साथ दोस्तों 5000mAh की बैटरी, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1TB स्टोरेज एक्स्ट्रा एक्सपेंड करी जा सकती है इस स्मार्टफोन के अंदर। कीमत की अगर इसकी दोस्तों बात करें यानी कि OnePlus 10 Pro के बेस वेरियंट 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की 18,999 रुपए है। तो कीमत आगे देखा जाए तो स्मार्टफोन ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से OnePlus से बेस्ट मेरे को ये नहीं लगा। होना चाहिए था स्मार्टफोन को OnePlus से अच्छा, क्योंकि Realme कम कीमत में अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराता है, वो इसमें नहीं देखने को मिला। वैसे आप एक तो मानेंगे ही कि आप कान को इस तरफ से पकड़िए, इस तरफ से पकड़िए, ये बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है दोनों, यानी कि OnePlus और Realme, और ओप्पो भी आती है, IQ भी आती है, और काफ़ी सारी स्मार्टफोन है। आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं वहीं पर आपको जवाब देता हूं कि बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी स्मार्टफोन ब्रांड आते हैं और कितने आपको अलग लगते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो Realme 10 Pro आपको 18,999 का देखने को मिलता है, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। अब दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के तीसरे आखिरी स्मार्टफोन की, फिर दोस्तों क्लियर करेंगे कि बेस्ट कौन सा है 2023 के अंदर जो आप 20,000 की रेंज में भी स्मार्टफोन ले सकते हैं। तो लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन दोस्तों हमारा आता है Redmi की ब्रांडिंग के साथ। जी आप इंतजार जरूर कर रहे होंगे क्योंकि Redmi के स्मार्टफोन काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो आखिरी स्मार्टफोन हमारा है Redmi Note 11 Pro Plus। जी हां दोस्तों, ये लिस्ट के अंदर आना ही आना था क्योंकि इस रेंज के अंदर ये कमाल फीचर्स देता है। लॉन्च दोस्तों ये इंडियन मार्केट में हुआ था 15 मार्च 2022 को, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर ये रन करता है, और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon का 695 चिपसेट ही देखने को मिला है, 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड और 6 नैनोमीटर पर रन करता है। उसी के साथ इसमें 6.67 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन, और साथ ही 1200 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस ये आपको प्रोवाइड कराती है। डिस्प्ले
कमाल की देखने को मिली है। और उसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में बैक में कैमरे के देखने को मिलते हैं 3 सेंसर, जिसमें दोस्तों मेन सेंसर है 108 मेगापिक्सल का, इनकी 108 का 8 का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, 2 का माइक्रो लेंस, और फ्रंट में दोस्तों इसमें देखने को मिलती है आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल डिजाइन सेल्फी। साथ ही दोस्तों 5000mAh की बैटरी है, 67 वोल्ट का आपको फास्ट चार्जर इसमें देखने को मिल जाता है, साइड माउंट फिंगर स्कैनर और 1TB स्टोरेज एक्स्ट्रा एक्सपेंड इसमें भी करी जा सकती है SD कार्ड के जरिए। कीमत की बात करता हूँ फिर दोस्तों, क्लियर करते हैं कि बेस्ट कौन सा स्मार्टफोन है। तो Redmi Note 11 Pro Plus की कीमत फिलहाल तो दोस्तों 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की 20,999 रुपए देखने को मिलती है। वैसे इसका बेस वेरिएंट 6GB वाला आता है, लेकिन वो स्मार्टफोन कहीं भी मेरे को सेल पे फिलहाल दिखा नहीं, रिटेलर स्टोर में जाके मैंने फिलहाल दोस्तों पता नहीं करा है। चाहे तो आप स्मार्टफोन को एक बार रिटेल स्टोर में इसका 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज पूछ सकते हैं, अगर आपको वो कम कीमत में मिल रहा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है ये स्मार्टफोन। क्योंकि अगर आप सिर्फ Redmi की ब्रांडिंग के साथ लेना चाहते हैं तो आपके लिए इकलौता ये बेस्ट फोन है। वैसे Redmi Note 12 भी आता है 5G वेरिएंट 20,000 से कम की रेंज में, लेकिन वो स्मार्टफोन 11 Pro Plus से अच्छा नहीं देखने को मिला है, डिजाइन वाइज, कैमरा वाइज, क्वालिटी वाइज या फिर दोस्तों इसके परफॉर्मेंस वाइज इतना अच्छा वो नहीं है, लेकिन 11 Pro Plus आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो ये तो दोस्तों हो गए आपके टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन। आप बेस्ट तो कोई सा भी ले सकते हैं, तीनों बेस्ट हैं मेरे हिसाब से दोस्तों। अगर आप ब्रांडिंग देख रहे हैं, अगर आप कैमरा क्वालिटी देख रहे हैं, अगर आप सब चीज़ ओवरऑल एक स्मार्टफोन देख रहे हैं, तो वैसे तो मैं Redmi के स्मार्टफोन को ज़्यादा चॉइस करता हूँ, लेकिन मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि आप OnePlus का स्मार्टफोन मेरे हिसाब से ज़्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि वो 8GB रैम आपको 19,999 में प्रोवाइड कराता है एक OnePlus की कमाल की ब्रांडिंग के साथ। तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए OnePlus अच्छा स्मार्टफोन है, पॉपुलर स्मार्टफोन है। सबसे अच्छी बात है ब्रांडिंग काफ़ी पॉपुलर है, आपके हाथ में आएगा तो आप प्रीमियम फील भी करेंगे, तो इसलिए आप मेरे हिसाब से चले जाइए OnePlus की तरफ। लेकिन चॉइस आपकी क्या है इस बारे में कमेंट जरूर करें, जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आप क्या सोचते हैं, कौन सा स्मार्टफोन आपको ज़्यादा पसंद आता है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं, और सारे ही बताएं, एक बताने में से कुछ जाता नहीं है, बताया करें। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी कोई नई कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।